मैंने बोला कि हाँ कितने हो गए, बोलता है 230। मैंने कहा 220 ही तो हुए, तो बोलता है माजा भूल रहे भैया आप। देखो भाई प्रोटीन इंटेक में क्या है, अभी रुको रुको, अभी रिवील नहीं करना, अभी रिवील नहीं करना है, अभी रिवील नहीं करना। पहला दिखा रहा हूँ सबसे पहले अदिवे का फेवरेट। अरे मेरा फेवरेट मटर मसाला भाई, मेरा कुछ भी सर मैं अपने मुंह से खिलाऊं। भाई भाई के देखो आंखों पे, यहाँ यहाँ पे टैटू आ गया एक नया वाला। आंख खोली भाई, दिख रहा है ये गुहेरी आ गई सर। इसको इसको इसका सलूशन होता है ये गुहेरी आ गई। हाँ शेट यार। हाँ अब भी टट्टी करके आया। गुहेरी तो जिम साफ कर देता हूँ मैं। क्यों नहीं क्यों? ओ भाई टोना टोट का। यस सर टट्टी का टोट का। आ बेटा चलो। नहीं तुम बोल रहे थे ना अभी यूएस जाओगे, यूएस जाओगे लिव इन पे रहोगे। बोला था ना लिव इन थोड़ी रहूंगा जीतने के चक्कर में। नहीं जजेस ने अभी बोले थे ना तुमको कुछ भी चलेगा। अरे बता यार, क्या मैं क्या बताऊं? आज तेरी हैप्पीनेस का राज, मेरी हैप्पीनेस का राज मेरे सामने खड़े हैं। मतलब मैं तो क्या वैसे रिलेटेड नहीं नहीं मैं यहाँ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। देखो देखो ये क्या बात होती है सर। ये ऐसे होता है ये भगवान तो नहीं पता था मुझे। अच्छा मैं अपनी एक्सी में करता, मैं क्रूज दबा के रख देता था फिर कुछ होता नहीं था। मैंने कहा बटन खराब है, प्लस माइनस माइनस करेगा तभी तो ना स्पीड कैसे सेट करेगा। क्रूज तो एक कमांड है। अभी बस इस स्पीड में चलती रहेगी। अब वो हमेशा यानी पूरे टाइम जब तक तू ब्रेक या क्लच दोनों में से कुछ नहीं दबाएगा तब तक वो इसी उस पर चलेगी। अब सिर्फ स्टेरिंग को एज अ कंसोल यूज कर जैसे वीडियो गेम चलाते हैं। ओ पर रियल का वीडियो गेम मत चलाना। इस हम आ चुके हैं लंदन में, बाय रोड आप बाय रोड आए हैं। हमें लगा पूरा 5.5 घंटा है ना सर। अब क्वीन एलिजाबेथ से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बिल्कुल बस पहुंचने वाले हैं ऑन द प्रोसेस। दोस्तों आप कभी यहाँ आए तो जरूर खाएं। अदिव्य को इसका कमीशन मिलता है। हाँ बात कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को इसका 8% मिलेगा। पहले मैंने बार्टर किया था लेकिन अब पेड हो चुका है उसमें भी। उसमें भी मेरे को कमर्शियली बहुत साउंड है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो सर समथिंग देहरादून घाट पे, देहरादून घाट पहुंच चुके गाइस। घाट वन वे इसलिए एक लाइन को वेट करना है तो दूसरी लाइन चलेगी। देख रहे हो वहाँ पूरा जाम हुआ रखा, वहाँ से आएगा ऑटो वाला हेवी ड्राइवर बन रहा है। ये सोच रहा है स्प्लेंडर की जगह पे ऑल्टो निकाल ले। इधर इसको देखो, ये शादी होके आए हैं वापस काम चला के। सब और थोड़ी थोड़ी देखो मेरे घर में आटा तो कैसे लगता है ना। और एक घंटे पहले आया सर क्लोजिंग टाइम से, बताओ बराबर बढ़ा के जाएंगे।
लगे हुए वर्कआउट पर। देहरादून हम पहुँचे थे अराउंड 4:30। उसके बाद से होटल वोटल एंड एवरीथिंग बुक बुक किया। उसके बाद अभी फ्री हुए खाना वाना खा के अराउंड 8, और सुबह से ड्राइविंग कर रहे थे तो बहुत थक चुके थे तो रेस्ट लिया। उसके बाद अभी जिम। नेवर मिस योर वर्कआउट्स। पूरे दिन का निचोड़ बहुत अच्छा निकला दोस्त। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आपका दिन खत्म अगर आपके बेस्ट मोमेंट पे हो रहा है, चाहे वो आपका लाइफ का कोई बेस्ट मोमेंट हो, तो दिन बुरा हुआ नींद अच्छी आएगी क्या? नींद तो नहीं आने वाली सर, बंद करो यार, दिख नहीं रहे हो। ये हीरो है लग रहा है सर, बल्ले देखो ना। पिक्चर का अभी पड़ा है, ओह सही है ना, सही है भाई, वैस्कुलरिटी बिना बिना माल के है भाई। ये छर्रा लगा है, गोली लगी ये भाई छर्रा दादा, बिना माल के है, बिना माल लिए, बिना माल लिए बनाइए। शिमला देहरादून आए, माल नहीं लिया। तो आज का व्लॉग यहाँ रैप अप करते हैं। पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट मैं करके कुछ ना कुछ डालूंगा एंड मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रखूँ। देहरादून आए थे, गुड डे, काफ़ी टायरिंग था बट स्टिल हमने फिनिश किया। काफ़ी अच्छे वर्कआउट थे, एक छोटा सा शोल्डर एंड आर्म्स वर्कआउट किया था एंड इट वाज गुड। तो अभी यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, कल देखते हैं कल क्या नया डे आता है, नई शुरुआत, नई चीज़ें। देहरादून पार्ट 2, बाय बाय। अरे कहाँ गए भैया, यहीं पैर का छुपा रहे अपने। देख पाल तो काम मत कर सर, सर एक पाद मार दो सर। मेरे हाथ में इसके मुंह पे मार दो सर। ऑडियंस जी आपको फनी लग रहा है जरा भी लेक, इसकी ग्वेरी अब ठीक हो गई ना, जैसे ही सुबह का मिल लिया यहाँ से बाल वाला एक पता भी नहीं चला, बाल और छोटा सा मलीदा, ये टक एक राइट मलीदा मारा, कैरी करके चलते पत, अपने बाल में फंसा रहता ना, पता भी नहीं चला भाई, पता मलीदा कैरी। और सुन ले, तो गाइस स्वागत है आपका डे 2 की बकचोदी में। ये पहला दिन बहुत बढ़िया गया, बहुत बकचोदी मारी, सारी चीजें तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, पर बड़ा मन था रिकॉर्ड करने का, लेकिन अंदर के एक गुड गाय ने अलाउ नहीं किया रिकॉर्ड करने के लिए। वो हमारा जो बोलते हैं ना अनकट वाला सीन था, मुझे भूल गया था, काफी सारी चीजें एक्सपोज हुई, अदिवी की भी एक्सपोज हुई, तो मैं बंद कर देता हूँ किसी कुछ कुछ चीजें मैंने एक्सपोज करी है, तो मैं सोच रहा हूँ अपने ब्लॉग में डालूं, अगर ये अभी सॉरी बोल देगा नहीं डालूंगा। ठीक है डाल दूंगा, कुत्ते कमीने। मेरे को स्विमिंग आती है, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, राफ्टिंग में नहीं डूबोगे? अरे भाई डूब गया तो, अगर आप डूब कर मरे मुझसे बात मत करना। अगर डूबे आपका जूता मेरा सर, बोल दो ना, गोली भी बोल दो, आप डूबो तो सही, आप डूब कर दिखाओ तो सही। बेसिकली सीन ये है कि हम जा रहे हैं ऋषिकेश और सबका प्लान बना है राफ्टिंग करेंगे, तो ये सब उसी का बांगोशड़ा। देखो वैसे तो मेरा मन था बंजी करने का, बंजी 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 वैसे सर का बड़ा मन था कि बंजी जंपिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने जैसे ही सोचा बंजी करेंगे फट गई उनकी, तो उन्होंने बोला राफ्टिंग करते हैं। जो
जुरासिक पार्क जैसा लग रहा था। हाँ भाई, जुरासिक पार्क हो गया, किंग कॉन्ग हो गया, जायंट एनिमल्स। क्या भाई, जाएगी? अरे मैंने कितनी की तेरी? आर्यन खाली है, उधर गोली छोड़, इसकी बात कर। देख के मारियो आर्यन। अरे भाई, देखा है मैंने ये, आज तक नहीं देखा। चीजें कौन रखता है? जिस आदमी के पास इनो तक रखा होगा वो पेस के रखे लो। इनो और पेस में कोई लेना देना नहीं, लेना देना है। पेट खराब और मुंह साफ करने का क्या लेना देना? मेरा है, ठीक है। इनो हटा, कुछ भी मेरा है, लेके रख क्या। पांच और यार देखो, मैं रखता हूँ ये सारी चीजें, छोटी मोटी हाइजीन को लेके, ठीक है। आप इनो रख दो, पेट के हाइजीन को लेके कहीं दस्त की गोली रखवा लो, कहीं पेट साफ की गोली, कहीं गोली ना रहा, और क्या क्या मिलता है अभी बात में? जब 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 कवरेज लेना पूरा अभी बोल, मिस्टर मिलाकर कुछ मिस नहीं होना चाहिए सर। सर जब भी बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई पांडा आ रहा है और आगे बप्प दी ना चली जाएगी, चली जाएगी यार। अभी देख, अभी देख करके जाए। जोड़ भाई सर, हाँ। क्या करना चाहोगे? वो व्यक्ति ट्रक चलाता है भाई साहब। हाड़ फाड़नी है तो ऐसे ही बोल दो सबकी। काप गए चलो भाई। बेचारा पता है वो क्या कहता है, भाई ये एक्टिवा थोड़ी उधर को लगा ले। गाड़ी पैक करने नहीं आती। अरे यार एक्सेलरेशन नहीं लग रहा था मेरे को, बहुत तेज लगाना पड़ा फिर तब तक आता रहा था। तो जिन गाड़ियों की अपने को नहीं आता, क्या करोगे? पकड़ लेते हैं भाई। पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सियात ने सबकी पाड़ दी थी। बहन की ये फिर आगे गई, बहन की अब पीछे जाएगी फिर आगे गई। मैं कहीं क्या करूं मैं। अरे भाई मैंने कहा कुछ भूल भी तो नहीं सकता, इनसे सिखाई इनने ही मुझे। इन्हीं से मैं सीखूं क्या ही बोलूं इन्हें। अपने गुरु को क्या बोलूं जिन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई है, कि वही गाड़ी नहीं चला पा रहे। मैंने कहा गुरु जी मैं रक्षा करूंगा, पर यहाँ पे मैं आपके विपक्ष में नहीं आना चाहूंगा। वो बीच है।